बाइबल कहती है कि जब सैमसन नाराज हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तीनियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और दो दो लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था, और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसन ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है, परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है, है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है, वो है परमेश्वर की फायर, वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था, आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को दो दो करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तीनियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे या नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है, और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि तुम जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है, एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग सोटे तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है।